का जो एक गांव है गुरेरा, जो एक आज की डेट के अंदर एक परचम लहरा रहा है लोहारू विधानसभा के अंदर, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर जो हैं वो एक गलियारे के साथ में गुजर रहे हैं और किसका जोरदार स्वागत किया जा रहा है, वो लोगों के विचार जानेंगे हम कि लोगों से ही पूछेंगे कि ऐसे सैकड़ों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में जो हैं वो एक रोड शो कर रहे हैं। और एक गुरेरा गांव के अंदर अभी कुछ ही मिनटों के अंदर एक ऐसी शख्सियत यहां पे पहुंचने वाली है जिन्होंने इस गांव के अंदर, जिस तरीके से मैं कैमरामैन को कहूंगा कि घुमा करके पीछे तक की जो तस्वीर है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है और काफ़ी मात्रा के अंदर जो लोग हैं वो भी पहुँच रहे हैं। और जस्ट मेरे पीछे देख रहे होंगे आप कि एक से एक भर करके जो ट्रैक्टर जो है वो ट्रैक्टर खाली नहीं, बल्कि एक ट्रैक्टर के ऊपर लगभग 4 से 5 लोग जो आपको नज़र आएंगे। और किस माहौल के साथ में गुजर रहे हैं, क्या काफिला जा रहा है, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि एक हमारे साथ में साथी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और कुछ युवा साथी जो हैं वो पूरे जोश और हवास के साथ में पूरे, मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन को कि पूरे एक बार जो है वो पूरा कवर कर लीजिएगा किस तरीके से जो लोगों की तादाद है वो पूरे नारों के साथ में लोगों की आवाज़ गुजर रही है। और इधर से जो काफिला जा रहा है वो राजवीर जी फलटिया का जा रहा है। राजवीर जी फलटिया जो हैं वो अभी इस गांव के अंदर पहुंच चुके हैं और पूरे जोश और हवास के साथ में लोगों का काफिला जो है वो लगातार गुजर रहा है। हम बात करने, जो काफिला वो बहुत लंबा है और अभी हमारे साथ में एक साथी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब नमस्कार, ये तो लंबा काफिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन किसके स्वागत में? ये भाई राजवीर फलटिया के स्वागत में है और ये काफिला जो है पैसे देके नहीं बुलाया गया, ये सारा प्यार है भाई राजवीर फलटिया, ये सारा प्यार है भाई का। लंबा चौड़ा काफिला हो सकता है? 70 से ट्रैक्टर ज्यादा आगे है, 50 से पीछे गाड़ियां ज्यादा है और तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग जो है इस काफिले में है, हजारों की संख्या के अंदर तादाद जो है। और हमारे साथ में राजवीर जी फलटिया की जो ड्रेस अप में डाले हुए हैं, भाई साहब क्या कहना चाहेंगे राजवीर फलटिया के बारे में? भाई बहुत बड़े आदमी है, राजवीर फलटिया के पीछे हम और इसको धन्यवाद देते हैं और इसका हम वो आदर करते हैं कि कभी किसी ने किया भी नहीं होगा। बहुत दिनों से इसके पीछे पड़ रहे हैं हम, अब की बार हम इसको बना के छोड़ेंगे। और हमारे साथ में अभी एक और ताऊ जी मौजूद है, ताऊ जी राम राम। राम राम जी। काम कुम छोड़ के पूरे तरीके से जोश और जुनून के साथ राजवीर फलटिया के साथ प्रोग्राम में शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, राजवीर फलटिया बहुत अच्छा आदमी है, हमारे लोहारू एरिए में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कौन से काम था बताओ जी? हम गरुआ गांव से हैं। गरुआ गांव से हो, जो बैल के पास है। आज गुरेरा गांव के अंदर क्या कुछ होने वाला है? गुरेरा गांव के अंदर अभी प्रोग्राम है। राजवीर जी फलटिया ने युवाओं के लिए क्या कार्य किए हैं और क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? सर बहुत कुछ किए हैं राजवीर फलटिया ने, हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, खेल ग्राउंड बना दिए, बहुत कुछ कर दिए। और अभी दोस्तों हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे राजवीर जी फलटिया का भव्य स्वागत लोगों के द्वारा किया जा रहा है और काफी मात्रा के अंदर ढोल नगाड़ों के साथ में जो है राजवीर जी फलटिया का लोग यहां पे स्वागत कर रहे हैं। कितनी अच्छी लोगों की तादाद है, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि पूरी भीड़ को कवर करके दिखा दें कि कितने लोग जो है वो यहां पे इनका इंतजार कर रहे हैं। और सामने जो है वो मंच लगा हुआ है, माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, काफी लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं और यहां पे बहुत सारे जो लोग स्वागत किया जा रहा है। गाँव में ऐसी क्या सौगात दी है जो आप इस तरह से पूरा सहयोग दे रहे हैं? अभी मेरे साथ देख रहे होंगे छोटे बच्चे भी जो है और जिस तरीके से सहयोग है, मैं पूरी कहूँगा कैमरामैन को कि पूरा कवर करके पूरा जो है वो दिखा दीजिएगा। लोग जो है वो अगले साथ में एक और सूची है युवा, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है? बहुत जोर से स्वागत किया जा रहा है जी फलटिया साहब का, हमारे गांव में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं पूरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, उधर से राजवीर जी फलटिया का फूलों के साथ में स्वागत किया जा रहा है और लोग जो है वो ढोल नगाड़ों के साथ में पूरी मस्ती के साथ में जो है यहाँ प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे हमारे साथ में ताऊ जी है, ताऊ जी राम राम। राम 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 राम। क्या प्रोग्राम है राजवीर फलटिया का? बढ़िया बढ़िया, राम राम बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे? फूल जुटागे गले। अभी हमारे साथ में एक अंकल जी मौजूद हैं, गांव गुरेरा की राजवीर जी फलटिया यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और विधानसभा क्षेत्र जो है वो जेपी दलाल जी का है। जेपी दलाल जी के गढ़ के अंदर आज जो इतनी भीड़ देख करके क्या कहना चाहेंगे कि राजवीर जी फलटिया का कैसा दिल है और क्या कुछ होने वाला है? हम तो यही कहना चाहेंगे, देखो
मतलब कोई राजनीति में न कोई मंत्री पद है न कुछ है न एमपी एमएलए, लेकिन ये जो अपने दिल से मतलब दान कर रहे हैं उनकी तरफ से हम बहुत आभारी हैं। गांव की तरफ से गौशाला है, स्कूल है, प्लस बच्चियाँ की लड़के मतलब बसा है और है, उसके लिए बड़ा हमारा सहयोग है। हम तो ऐसे दान भी कार्य करना चाहिए। जो विधायक होता है ना उसके पास तो पावर होती है, किसी इंसान के पास पावर भी नहीं और फिर भी किए जा रहे हैं, बहुत भारी काम कर रहे हैं। जहाँ पे भी जाते हैं गौशाला में तो सोचते ही नहीं है, बिना झिझक 5 लाख रुपए दान दे देते हैं। तो क्या इस क्षेत्र के अंदर जेपी दलाल जी ने कभी ऐसा कार्य नहीं किया आपके क्षेत्र के अंदर? दलाल जी देखो भाई, हाँ तो भरते रहो, बाकी काम तो काम को नहीं हो रहे, बस ये पावर तो है उनके पास, पावर तो फुल है। अगर अच्छा हो तो आपकी तरफ से जितना भी हम दिल से सहयोग करेंगे, कोई बात नहीं, जो भी हम दिल से करेंगे। मेन मैं होता है काम में रुपया लगाओ, हम सहयोग के लिए तैयार है। देखो कोई अपने काम में जो पैसे लगाओगे वो वोट ले जाओगे, बस सीधी सी बात यह है। अपन ना किसी की खीर खाई ना किसी की, जो काम करेगा वो वोट ले जाएगा, विकास करेगा और जो भी है मतलब मेरे तो मत गौशाला प्रधान मैंने राजनीति प्लस कोई लेना न, मैं एकदम कोई बच्चा के लिए कदम सुभाष करने जाऊँ न कदे गया, सबके मंत्री साहब का बहुत बड़ा सहयोग, नौजवान प्यारे बच्चों दिल से सहयोग जगत को जन्म देने वाली, लेकिन कदे भी है ना इस तरह कौन दिखाया, हम यहाँ करे हम खाली रिक्वेस्ट करके आ जाता है, लेकिन करते बस हमने कुछ नहीं किया। मैंने और किमे काम को नहीं करवाना, मैंने तो बस मेरी घोषणा दी है, इतनी बेकार हालत है आज, सबसे गिरिडीह हिंदुस्तान में आएंगे, जन्म दिया मेरी लगन रहा है, मतलब बच्चा कोई नौकरी के लिए मैं कदे किसी के पास नहीं जाऊंगा, बस अपने गौशाला की तरफ ध्यान दे दो, बाकी गांव में भी है कोई गरीब है और करो महान पुत्रों ने ऐसी दान वीरों में और क्या होगा, काफी लोगों की जनता लाखों की संख्या हो रही है और इतना जोश है लोगों में जिसकी कोई हद नहीं है। पूरे जस के साथ में लोहारो हलके के अंदर डंका बज चुका है और आज पहली बार लोहारो में कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के गृह विधानसभा क्षेत्र के अंदर बिगुल बजा दिया है राजवीर जी फटिया के चाहतों ने, और राजवीर जी फटिया के चाहने वाले जो जर्सी के साथ में यहां पहुंच चुके हैं। राव जी आज तो जर्सी जर्सी हो रहे हो, राजवीर हो रहे, समाज सेवक आदमी है, समाज सेवक के साथ रहेंगे। यार जेपी दलाल बढ़िया लोग कुछ काम नहीं किया, पहले बोला था हमने खड़ा ही काम करेंगे, पहले बहुत गुरेरा काम करेंगे, एक खड़ा पक्का नहीं किया, दो साल हो गए। और अभी जस्ट मेरे पीछे जो हैं वो राजवीर जी फलटिया पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। तो ऐसा काफिला देख करके दिल गदगद हो रहा होगा राजवीर जी, आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हरो विधानसभा के अंदर डंका बजा दिया आपने, डंका बजा दिया, लोगों का इतना प्यार मिला हुआ है, मन की खुशी जो है वो क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही ज्यादा काम वासियों का वितरण। अभी वो पगड़ी संभाल चट्टा छाती का लगा ले, उसे का हो जाएगा सुदामा जी में लगाया, फिर श्री कृष्ण भगवान आपका पीछे, और मैं तो उसे का एक बहुत बड़ा मैं मानू हूँ, तो सिर्फ मैं कन्हैया ना और गैया नहीं और मैया ना, तीनों ना मानू और बाकी मैं नहीं मानता किसी को, पर भाई उसके बाद मैं कन्हैया रूप मैंने तो आप ही दिखाई दिए हो, तो सबसे पहले आपके चरणों में बड़े भाइयों में प्रणाम भी कर सकता हूँ, आपके चरणों में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो तन्ना भगत में जो गुण थे वो गुण हमारे भाई साहब में, ये थवी ने कोई तन्ना तो और डाल का आदमी था।
काटी है, सब कुछ काम हाथों से किया हुआ है। मेरे को हर जमींदार की मुसीबत का पता है। अगर खाड़ा खराब है, सर्दी का टाइम होता है, अगर कहीं से टूट गया और उसको ठीक करना पड़ गया तो वो पानी भी बेकार चला जाता है और उसकी जो मेहनत है वो भी कहीं खराब हो जाती है। तो आपकी समस्या को मैं भली भांति समझ सकता हूँ। तो इसके लिए आपके जो पांच खाड़े मेरे ख्याल से गाँव के बता रहे थे, चलो छह होंगे, सभी खानों के लिए मैं अपनी तरफ से 1-1 लाख रुपए देने का काम करूंगा। ये काम तो वैसे गवर्नमेंट का होता है और उनको करना भी चाहिए। उन पर भी मैंने पिछली बार जब मैं परसों पर लगन आ रहा था तो कांडा जो महकमा होता है इरीगेशन का, वो JSDO यहाँ पर घूम रहे थे, मेरे को यहाँ आपके गांव से बाहर मिले भी थे। तो मैंने उनसे भी अरदास की थी कि हमारे जो किसानों के जो खाड़े हैं वो आप इस सरकारी माध्यम से जितना ठीक करवा सको करवाओ। तो उनने भी कुछ आश्वासन दिया था, लेकिन जरूरत आज हो और वो 6 महीने बाद अगर आए तो मैं समझता हूँ हमारे जो किसान की जो समस्या है, जो हमारे किसान भाइयों का जो दर्द है कि 2 साल से लगातार आप चक्कर काट रहे हैं फिर भी किसी ने सुनाई नहीं की, तो ये मेरे भी इसका बड़ा दर्द हुआ कि आपका जो मेन समस्या जो किसान की होती है आज पानी की है। और वो पानी खेत में जब लग पाता है, जब हमारे खाड़े नाले ठीक होंगे। आपने जो खाड़े नाले के लिए एक ये छोटी सी मरम्मत करा करके आप लोग इसको ठीक करके चलवाएं और आने वाला टाइम आपका होगा, आपका एक एक खड़ा मरम्मत नहीं नया बनवाने का काम हम करेंगे। पूरी रोड खचाखच भर दी आप लोगों ने, तो मैं पूरे गांव का आपके चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। ऐसा प्रोग्राम आप लोगों ने जो दिल की गहराइयों से, मैं देख रहा था रास्ते में कितनी, चाहे वो किसी खेत कल्याण में कोई बुजुर्ग था या किसी खेत में कोई मेरी माता खड़ी हुई थी, नौजवान साथी था, कितने दिल से लगाव से मेरे को आशीर्वाद देने के लिए जो यहाँ पर आए या खेत में खड़ा होकर के दूर से हाथ उठा करके और जो मेरे को आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं पूरे गांव को साथ लगते, आपके किकराल गांव था, हर खेत में हर ढाणी में इस तरह का जो मान सम्मान आप लोगों ने जो दिया, उसके लिए आज हम जिस मंदिर प्रांगण में खड़े हुए हैं बाबा रामदेव जी के, तो सबसे पहले तो मेरा फर्ज और आप भी सब भी एक जोरदार नारा लगाएंगे, बाबा रामदेव महाराज की जय हो, बाबा रामदेव महाराज की जय हो। अरे राजवीर फलटे दरगाह में आयो है, राजवीर फलटे पूरे तो बिरानी का पड़े सारा राम बच्चे दाड़ा हो गया। दरगाह में क्या क्या कर दियो इसने? हमारे गांव में तो बेटा राम तो मरते कोनी, नहर की है तो नहर सुधरवा दे, हो पानी आ जाए वो तो जीवन पड़ जाए। क्या बताया? मरिया पड़ी है, पानी आवा ही करके दरगाह में क्या है? ऐसा मसीहा गांव भर दिया है, क्या कर दिया राजीव पलटियो? गणा कर दियो बेटा, अच्छा काम कर दियो, बढ़िया है, बढ़िया बेटा। हां खूब दे दियो, मान तो देवांगा, वोट कहते आनी देवांगा बताओ।
उसका समाधान राजवीर फलटिया ने कर दिया। क्या कुछ कहा है राजवीर फलटिया ने इसके बारे में? आपके समाधान के बारे में राजवीर फलटिया ने सहयोग दिया, कितना दिया है? देता ही जा रहा है, क्या बताए? हर खाड़ के लिए 1,00,000 रुपए दे, हर खाड़ के लिए 1,00,000 रुपए। जो काम मतलब सरकार ने करना चाहिए वो राजवीर फलटिया कर रहे हैं, तो कमी तो छोड़ नहीं रहे कार्य करने में। बहुत अच्छा सामाजिक कार्य है, सहयोग रहेगा इनके पास जो हम लोगों से बन पाएगा तहे दिल से। मेरे काम की जान ले सात आठ काम कर दिए, गौशाला में बड़ा दान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम दिया। सर मन साहब को हर जनता पूरे दिल से बहुत ज्यादा चाहिए, इनके सिद्धांत विचार ही कुछ ऐसे हैं। ये बहुत सामाजिक इंसान, बड़े दिल के आदमी, कभी झूठ ना बोलना, अनुशासन में रहना इनकी एक सबसे खास बात है। पूछना चाहूंगा, कई बार क्या होता है, नेता होते हैं ना, उनको वोट चाहिए। हर हरियाणा के अंदर राजनीति में, हरियाणा में लगभग 66 के बाद में हर नेता आए हैं, काम करते रहे हैं, वोट लेते रहे हैं, काम करें वोट ले। क्या इनका ऐसा काम नहीं होने वाला है? इनका ऐसा काम नहीं होने वाला, पहली करती है काम, नेता बनना तो पहली कर रखी है काम, नेता बने हैं। वोट अभी तक लिया नहीं और काम किए जा रहे हैं, वोट अभी तक लिया नहीं और काम किए जा रहे हैं। क्या गड़ी बना दी, अभी काम की मांग वो पूरी कर रहे हैं फिलहाल। जब विधानसभा के अंदर जब जाएंगे तो क्या आपके गांव के लिए आप सौगात सोचते हैं कि लोहारू हल्के के लिए अच्छा होने वाला है? ये हर आदमी के लिए बहुत अच्छे सौंपे थे, क्योंकि ये पहले जिला प्रमुख रह के ने अपना कार्यकाल दिखा चुके हैं, न तो ये तनख्वाह लेते थे, सरकारी तनख्वाह नहीं लेते, कोई सरकारी सहायता नहीं। अब जब बिना किसी सरकारी पद के अपनी जेब से सामाजिक कार्य करते हैं, उस आदमी पर आप विश्वास रखिए, इतना बड़ा धनी, इतना बड़ा इंसान अब तक अपने इलाके में हुआ नहीं। अपनी जेब तो सभी भरते हैं, लेकिन जब बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, आप देखिए अपनी जेब से कोई पर्सनल मतलब जनता खेतों खड़ा करवा सकता है? कोई नहीं करवा सकता, आज तक तो हुआ नहीं ऐसा। रही धनी की बात, आप गौशाला देख के पास पैसे होते हुए भी नहीं हो रहे हैं। वो ये काम देखती है लगभग सरकारें कि कौन सा प्रोजेक्ट है तैयार करें जहाँ कुछ जेब में इधर आए, इसकी ऐसी सोच नहीं है। ये कहता है कि इंसान ना कुछ साथ जाए ना कुछ साथ जाना है, मुझे जनित के कार्य करने, इसका आत्मिक दिल है, ये कोई भगवान का ही रूप है। राजवीर जी फलटिया के टी शर्ट पहने हुए हैं, राजवीर जी फलटिया दिल में बसा ली, आपने क्या कहना चाहेंगे? खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया हर गाँव में, सरकार की तो खेलों की तरफ ध्यान ही नहीं है, हर गांव के ग्राउंड। तो राजवीर फलटिया ने आपके खेलों के लिए कुछ किया? हर गांव के ग्राउंड को समतल करने का ठेका ले रखा है इन्होंने, सरकार तो कभी आगे देखती भी ना ग्राउंड कैसे है। दूसरी बात, लड़कियों को स्कूल में जाने के लिए बस सुविधा कौन देता है? अपने पैसे से सरकार ने दे, अपने पैसे से आने जाने के लिए बस सुविधा दे रखी है, तो लड़कियों के लिए अच्छी सौगात है, अच्छी है। क्या बैठ के सुरक्षित होगी? आपका गांव जो है वो लोहारों से बहुत काफी दूर और पीछे पीछे खिसका हुआ है, क्या किसी नेता ने कभी पहले ध्यान नहीं दिया आपके गांव की तरफ? किसी ने ध्यान नहीं दिया, और इन्होंने तो जिला प्रमुख रहते हुए बंसीलाल का राजा लिया, बीजेपी का लिया। हमारे गाँव के पास तो निरय मंत्री है, बहादुर सिंह शिक्षा मंत्री है, छह IPS उस गांव में, IAS IPS। अच्छा, सोमवीर सिंह MLA है, उसके बगल का गांव है, तो भी वहां कुछ नहीं। इतने जिला प्रमुख रहते हुए गांव की गलियों को जगमग कर दिया, इतनी लाइट लगा रखी है गांव में, शहर से भी ज्यादा इन्होंने अपने पैसे से किया है। मेरा पूरा काम जो है अनुरोध है, पीछे तन मन और धन वो अपना स्थान ग्रहण करे भाई। ऐसा क्या कर दिया राजवीर जी ने? राजवीर जी ने गांव के अंदर बहुत कुछ दिया है, गौशाला में दिया है, कन्यादान दिया है, अब हमें जो है कह रखा है भी आपके खाड़े जो भी टूट फूट है मैं ठीक करूंगा। जिंदाबाद। जो खाल का काम का बता रहे हो आप, हाँ जी, वो तो सरकार का काम नहीं है। नहीं, वो मरम्मत करवाएंगे, नया नहीं, जो सभी साथियों से निवेदन है मैं मरम्मत करवाऊंगा कि वो अपना सरकार खाल नहीं बनाएगी। तो जेपी दलाल जी नहीं कुछ नहीं, हमारे बीच में राजवीर फलटिया जी पहुँचे हैं, वो 50 लिए बाढ़ लिए बस लगा दी,
खोरिया कि दान घालन लाग रहे हो सारी चीजा में ऐसी कोई बात तारगाम में जो तबरासी लगी हुआ है मांग बढ़िया लगा है बुरे रगाम में ऐसी कोई बात है बुरे रगाम में बढ़िया है बताइए कोई सब का माम बढ़िया हाँ आप इंडिया के टी शर्ट पहने हुए दिल से साथ है या टी शर्ट ही ले ली ना ना इसका साथ है पूरे सहयोग हो हाँ पूरे सहयोग है यो या सब तो देखे को नहीं आज तक घर के वो बच्चे हों बहुत पिटन ला गए बाप ने मोटरसाइकिल पर को चढ़ा लिया दुनिया चढ़ाया अंडा है आ गई की मर्जी है के तारो के आशीर्वाद रहे को मारो भाई बेटा खेत में पानी लाग जे नहीं तो मेरे भाई गति हो जी हमें ताई जी तम के कहना चाहूंगा मार तो बेटा सब की में करना का मार तो टिब्बम खेत ना पानी लगा सके यो बापड़ा राजस्थान में पड़े यो क्या कर देगा अच्छा साहब ठीक है भाई काम ना कर दे तो कोई बढ़िया बड़ा काम कर दे कोई अच्छा काम कर दे अच्छा प्रोग्राम कर दे भाई ने है अच्छी आशीष देवे है माँ बड़का ने भी अच्छा काम लगा मजदूर आदमी है अभी हमारे साथ में राजवीर जी फर्टिया मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज गांव के अंदर इतना प्यार मिला है तो क्या कुछ आगे की जो रणनीति होगी उनकी क्या कुछ सोच रहे हैं इस गांव के अंदर आने के बाद में लोहारू हलके के अंदर गुरेरा के अंदर जिस प्रकार से ट्रैक्टरों का काफिला जो है वो चला आ रहा था और बीचों बीच से राजवीर जी फर्टिया जो है वो अभिनंदन कर रहे थे जिस प्रकार गाँव के अंदर जैसे एंट्री की है तो एक प्रोग्राम के माध्यम से उनका अभिनंदन किया गया है उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा प्यार मिल करके और उनकी दिल की जो गहराइयां हैं वो कहां तक गदगद हुई आइए बातचीत करते हैं राजवीर जी आज के इस प्रोग्राम को देख करके मन कैसे गदगद हो रहा होगा आपका आज आप देख ही रहे हो कि शिवानी से जब ऑफिस से चले थे गांव गुरेरा में प्रोग्राम था और प्रोग्राम ये था कि सम्मान समारोह पूरे गांव ने रखा था तो ये सम्मान समारोह गुरेरा में ना होकर के शिवानी से लगा करके और गुरेरा तक पूरी रोड जिस तरह से खचा फसा है ना पूरी लाइन लगी हुई थी मैं देख रहा था रास्ते के अंदर एक 10 बजे मैं आया था आपको कुछ देख के भी गया था वो क्या जादू हो सकता है वो आगे की बताइए वो आप देख ही रहे थे कि वो जमींदार भाई मेरा है ना बनसटी भर रहा था ट्रॉली में और जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो रेडियो बज रहा था राजवीर फर्टिया के नाम से तो उसने देखा राजवीर फर्टिया यहाँ से गुजर रहा है तो उसी समय उसी ने नाचना शुरू कर दिया वो वीडियो भी आपने देखी होगी और उससे रुका नहीं गया वो फ्लाईओवर बना हुआ था वहाँ पर आरओबी बना हुआ था उसके ऊपर चढ़ करके उसने भाग करके और वो जो संतरे मेरे लिए मौसमी मेरे लिए लेकर के आया और इतना उसने जो प्यार प्रेम मेरे प्रति दिखाया और अपने भाई को बांध भर करके और दौड़ करके वो रुका नहीं गया उससे गाड़ी के ऊपर ही चढ़ करके साथ भर के कोड़ी भर करके मिला और उन्होंने एक फल मेरे को दिया कि भाई मैं आपके लिए फल लेकर के आया हूँ तो उस भाई का भी इतना धन्यवाद करता हूँ जिस तरह का प्यार प्रेम आज छोटे छोटे बच्चे जब मैं निकलता हूँ तो नाचना शुरू कर देते हैं तो ये आप देख ही रहे हो जब हम पूरा शिवानी से यहाँ तक पहुँचे ढाणियाँ बहुत थी बीच बीच में रास्ते में हमारे जमींदार भाई बुजुर्ग नौजवान साथी खेत में काम कर रहे थे लेकिन उन्होंने इतना मान सम्मान खड़े और रुकवा रुकवा करके गाड़ियाँ इतना जो मान सम्मान दिया तो ये कोई छोटी बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है। अभी इलेक्शन को 3 साल पड़े हैं आज का दिन जो देखा जाए कि आपके काफिले में कम से कम सैकड़ों के तादाद में ट्रैक्टर थे कम से कम 2 किलोमीटर आपकी गाड़ियों की लाइन थी अगर आज इलेक्शन से पहले ये माहौल है आगे क्या रहेगा आपकी आगे तो देखो जी बहुत बड़ा आप देख ही रहे थे कि जिस तरह से मेरे ख्याल से आखिरी जो सिरा था वो गुरेरा गांव में पहुंच चुका था और पिछला जो सिरा था वो किकराल से भी पीछे था तो जिस तरह का जो माहौल जो आज बना हुआ है तो ये इलेक्शन मेरे ख्याल से है ना लग ऐसा रहा है कि भाई 3 साल नहीं मेरे ख्याल से 1 हफ्ता ही शेष बचा है तो इलेक्शन तो लुहारू का हो चुका अब तो घोषणा बाकी है मतलब गुरेरा से लोगों ने हल्ला बोल दिया है कि हम आपके साथ होने वाले हैं गुरेरा से नहीं मैं कहूँगा कि पूरा बड़वा से लगा करके ने सुवासड़ा तक हर गांव डाणी में बिल्कुल है ना क्या लगता है आज चंडीगढ़ के अंदर बड़े नेताओं की कोई मीटिंग नहीं होने वाली है अब मेरे ख्याल से आने वाले आप देख ही रहे हो कुछ नेता तो गायब हो गए और आने वाले जो 4-5 महीने में अगर इसी तरह से माहौल बना रहा तो मेरे ख्याल से हल्का लुहारू से कोई टिकट मांगने वाला नहीं मिलेगा राजवीर जी एक चीज और पूछना चाहूंगा जहाँ पे भी जाते हैं लोग डिमांड करते हैं और आप झटके से कोई चीज भी होती है उसकी हामी भर देते हैं इतना बड़ा दिल
क्या कहेंगे? खुशी इतनी मिलती है कि हमारे जो जितना भी समाज के, मैं समझता हूँ हर छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, जो गवर्नमेंट हमारी जो सरकार है उसके काम होते हैं, और वो कहीं अपने कार्य में करने में विफल रही। के अंदर एक मोटी समस्या लोगों की सुनी है, दो तीन दिन पहले भी दलाल साहब भी मिले थे, खालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक पोस्ट डली थी और वो मीडिया के माध्यम से आजकल आप देख ही रहे हो, फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट किसी साथी ने डाली थी कि राजवीर फरटिया 21 तारीख को आ रहा है और वो जो नाले खाले दो साल से जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको पूरा करने का वो काम करेंगे, तो उनके कानों में कहीं आवाज़ गई होगी और उन लोगों ने ना यहाँ पर अधिकारियों को भेजा। वो मैं परसों जब आया था मेरे को मिले भी थे कि हमारे को आदेश हैं कि नाले खाले, तो मैं तो उनको भी कहता हूँ कि इस तरह के जो काम जिस भावना से उन लोगों को वोट दे करके बनाया था, तो ये काम उनके होते हैं और उनको करना चाहिए। आज वो एक आदमी के मंत्री संतरी न होकर के पूरे हलका नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के हैं। अगर कोई समस्या इस तरह की होती है हमारे किसान भाइयों की या किसी हमारे जो भी हर 36 बिरादरी के भाई की, चाहे वो कोई चौपाल की बात थी या कोई गली की बात थी या कोई नाले खाड़े की बात थी, तो वो उनका कर्तव्य बनता है और उनको करना चाहिए। ताऊ जी बातचीत करना चाहूंगा, काफी समय से देख रहे हैं जो साहब का इस बुढ़ापे के अंदर आकर भी मेरा मतलब बताऊंगे। हाँ जी, मेरा मतलब जब दिन वोट ना मिले नैमने इतना खाना आधा खाए ना, अच्छा, और फिर फूल खाए ना पूरा सही। हाँ, ये सही मतलब राजवीर जो दिन मन जाएगा नहीं, जिस दिन पूरा खाना सब गरीब तो खावा खावा, अब भी खाना नहीं खा रखे, खाना अब भी नहीं खा रखे, अब बन जाए नहीं खाना सर को, अभी आज खाई का शाम नहीं खाऊंगा और मेरे लिए क्या सुनागा, जो बनेगा रोकने वाला नहीं कोई देश में, या भी इम क्यों कर लेते जी आपसे बात करके। और जब प्रोग्राम आपका हो रहा था, आपके भाषण हो रहे थे, बड़े तीखे भाषण थे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, तीखे भाषण तो जो बात होती है वही बताते हैं, हम तो किसी पार्टी से संबंध रखते नहीं, किसान है हमारी, जो सुनेगा हम उसके साथ रहेंगे, किसानों की आवाज़ है ये सभी की। तो हमारे जो खाड़े हैं सरकार के मनाए हुए 30 साल पहले, तो उस दौरान अभी खाड़े सारे जर्जर टूटे हुए हैं, उनकी ना तो कोई रिपेयर हो रही, गांव वाले सभी जगह गए लेकिन ना कोई सुनवाई। तो आज हमारा जो प्रोग्राम था राजवीर फरटिया जी का, जो उन्होंने बताया खाड़े के लिए 1-1 लाख रुपए भी दिए और रिपेयर करने की बोली है, ज़मींदारों के अंदर खुशी भी आ गई है ताकि वो खाड़ रिपेयर हो सके, ज़मींदारों को अपना पानी मिल सके। लेकिन जो लोहारू हल्के के अंदर पहला एक ऐसा आदमी है जो राजवीर सिंह फरटिया, जो समाज सेवा में लगा हुआ है, उनको अपना कोई लालच नहीं, वो हटके समाज सेवा लगा हुआ है। समाज सेवा के अंदर जितने भी लोहारू हल्के में जितने भी जो गांव हैं उनमें जितने भी आदमी हैं वो सब राजवीर फरटिया के साथ समाज सेवा के अंदर कंधा से कंधा मिलाकर इनके साथ चल रहे हैं। आगे जब इलेक्शन होंगे तो राजवीर फरटिया कह रहे हैं कि आप सब लोग मेरे साथ हो, हम राजवीर फरटिया के साथ पूरे लोहारू हल्के के जो जितने भी गांव हैं सभी लोग राजवीर फरटिया के साथ हैं, राजवीर फरटिया के टक्कर में कोई आने वाला भी नहीं है, ये फुल बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से एक समाज सेवा कर रहे हैं, चाहे वो गौशाला का मामला हो, चाहे वो बच्चों के पढ़ाई का मामला हो, चाहे वो खाड़े का मामला हो, चाहे वो चौपाल का मामला हो, चाहे वो बच्चों का ग्राउंड लेवल करवाने का मामला हो, चाहे खेल का सामान हो, सारी चीज़ दे रहे हैं, तो हमें सारी चीज़ दे रहे हैं, सरकार से हमें क्या मतलब रह गया? सरकार तो एक तानाशाह सरकार है, पीछे हमारे सरकार में जो गांव के अंदर जो मुआवजा मिला था जो पड़ोसी गांव है उनको सबको मिल गया, उनको भी मिलना चाहिए था पड़ोसी गाँव को, लेकिन जो हमारा जो हल्का है उसमें सबसे बड़ा गाँव बड़ुआ और गुरेरा और किकराड़।